तो मैं आ गई हूँ किचन के अंदर। और ये देखिए, ये मैंने ले लिया है अलसी यानी कि फ्लैक्स सीड्स, ठीक है। और ये कच्चा है, इसे रोस्ट नहीं करना है, ठीक है ना। तो कच्चा ही ले लेंगे हम फ्लैक्स सीड्स। इसके खाने के भी बहुत फ़ायदे हैं और लगाने के भी बहुत फ़ायदे हैं, तो आप इसे खा भी सकते हैं और लगा भी सकते हैं, ठीक है। ठीक है, एक मैंने मिक्सर ले लिया है और मिक्सर के अंदर हम ये सारे फ्लैक्स सीड्स यानी कि अलसी के बीज को डाल देंगे। इस तरह से मिक्सर के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। और इसके बाद इसका हम एक पाउडर तैयार करेंगे। तो हमने इसका पाउडर बना लिया है, ठीक है। और ये देखिए कितना बारीक सा पाउडर बनकर तैयार हुआ है। थोड़े थोड़े से जो है वो साबुत रह गए हैं, तो कोई बात नहीं। अब क्या करना है तो चलिए बताती हूँ मैं आपको। तो यहाँ पे मैंने एक बड़ा सा बाउल ले लिया है, बड़ा बर्तन ले लीजिए आप कोई सा भी, ठीक है। अब जो सीड्स, जो फ्लैक्स सीड्स है, उसका पाउडर मैंने बनाया था मिक्सर के अंदर, उसको मैं इस बाउल के अंदर इस तरह से ट्रांसफ़र कर दूंगी। अब इसके अंदर ना हम दूध ऐड करेंगे। ये मैंने कच्चा दूध ले लिया है, दूध को ना बॉयल नहीं करना है, हमें कच्चा दूध ही इसके अंदर ऐड करना है। थोड़ा थोड़ा हम दूध ऐड करेंगे और इन सारी चीज़ों को ऐसे मिक्स कर देंगे इसको अच्छे से, ठीक है। और देखते हैं हम कितना दूध लगता है इसमें। तो इसको ना मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है, खूब अच्छी तरीके से इसको फेंट दीजिए। और मिक्स करने के बाद अब मैं ना इसको 1 घंटे के लिए इसी तरह से सोक करके छोड़ दूंगी, ठीक है। वो इसलिए ताकि जो इसके अंदर जितनी भी प्रोटीन है वो सारी एक्टिवेट हो जाए, ठीक है ना। उसके बाद क्या करना है मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बताती हूँ आपको, ठीक है। तो हमने ना सोक करके रख दिया था और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से 1 घंटे में ना सोख हो गया है, ये देखिए। और अगर ये बच जाए ना तो आप इसको फ्रिज में रख दीजिए और फिर दूसरे दिन भी आप अप्लाई कर सकते हैं, है ना। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर पानी डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि ये थोड़ा लूज़ हो जाए लगाने जैसा, ठीक है। तो और इसके अच्छे से मिक्स करेंगे। और ये कितना अच्छा हो गया है, ये पूरा एक साथ हो गया। और इसमें कितना इस तरह से हो जाएगा, ये देखिए। आज से पहले ना किसी ने आपको इतना अच्छा मास्क ना पिगमेंटेशन के लिए, फेस को ग्लो करने के लिए, वो पिगमेंटेशन नहीं है ना वो भी ये यूज़ कर सकते हैं फेयरनेस के लिए, ठीक है। तो इस वाले जो मास्क का ना बहुत फ़ायदा है, इससे सन टैन भी हटेगा। आपको अगर फेयर स्किन चाहिए तो उसके भी ये बहुत काम आता है, और पिगमेंटेशन है जिसको वो भी ये वाला मास्क जो है वो लगा सकते हैं, ठीक है। और ये कितना अच्छा हो गया, अब हम इसको फेस पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मास्क जो है वो मेरा तैयार हो चुका है, अब मैं अपने फेस पे अप्लाई करूँगी। तो अपने बालों को पहले मैं टाई कर लेती हूँ अच्छे से। तो बालों को मैंने अच्छे से टाई कर लिया है, अब मैं ना इस मास्क को इसको इस तरह से दूंगी मैं बिल्कुल, और अपने फेस पे ना अप्लाई करूंगी। क्योंकि हमें ना इसको थोड़ा टाइम रखना है फेस पे, हम ना कम से कम इसको 20 मिनट रखेंगे अपने फेस के ऊपर लगाने के बाद। उसके बाद हम इसको सादे पानी के साथ रिमूव करेंगे। अगर आपके हाथ में ना चिपकता है ये, तो आप क्या करो, थोड़ा सा पानी ले लो, हाथ को इस तरह से डिप करो और इसको लगा लो, ठीक है।
तो इस तरह से आपको बिल्कुल अप्लाई कर लेना है, थोड़ा सा भी छोड़ना नहीं है, सब जगह अच्छे से इक्वल इक्वल अप्लाई करना है। और बहुत थिक लेयर में ही आपको इसको अप्लाई करना है। और अप्लाई करने के बाद आपको क्या करना है, वेट करना है तकरीबन 20 मिनट, 20 से 30 मिनट तक आपको इसी तरीके से फेस के ऊपर इसको लगा रहने देना है, ठीक है। और 20 या 30 मिनट के बाद मैं बताऊंगी आपको कि क्या करना है। इसको मैं हाथों पे भी लगाऊंगी, ठीक है। आपको फेयरनेस भी मिलेगा, आपके जो झाइयाँ हैं ये उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और प्लस आपका जो टैन वगैरह हो गया है हाथ पैर, तो आप उस पर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो अब है ना 20 मिनट पूरे हो चुके हैं, और अब मैं इसे ना वॉश करने जा रही हूँ। तो इसे निकालना कैसे, इसको बस इस तरह से आप ना, अब इस वक्त रिजल्ट देखना है ना, ये मैंने कैसे ले लिया है। इसके अंदर हम सारी चीज़ों, ये सारा फेस मास्क हम इसको इस तरह से निकाल लेंगे, ठीक है। और ये देखिए हाथों पे तो सूख गया है बिल्कुल। मैं ना ये हाथ का बाहर वॉश बेसिन में ना धो के आती हूँ, उसके बाद मैं फेस का आपको बताती हूँ, ठीक है। हाथ का मैंने धोया है, ये देखिए हाथ कितना फेयर लग रहा है मेरा, है ना। और अब हम फेस को हम इस तरह से, और अब हम इसको साफ कर लेंगे। मैंने मग में पानी ले लिया है, अब इस तरह से इसको स्टार्ट करेंगे। इसको ना आप यहाँ नेक पे भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी तो मेरे फेस पे ही अभी थोड़ा थोड़ा रहता है, ये निशान जो देख रहे हैं ना, ये निशान यहाँ पे ये है, ये थोड़ा सा नोज के ऊपर है ना, ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, ये निशान आप देख रहे हैं ये वाला, ये भी है थोड़ा सा है। पर ठीक है गाइस, इतना सारा खराब था उससे अच्छा है ना कि इतना सा है ना, ये भी चला जाएगा धीरे धीरे। मेरा तो ख़त्म हो गया था, पूरा फेस का स्टोरी ख़त्म हो चुकी थी मेरी, लेकिन मैंने लौट गया, मैंने बहुत मेहनत की और अल्लाह से दुआ किया, मैंने मेहनत किया। इसको ना खूब अच्छी तरीके से आप पूरा नेक में ना, यहाँ तक हाथों में पूरा आप है ना इसको यूज़ कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। माशाल्लाह। अब हम लेंगे आइस, और रैप रैप करेंगे। मज़ा आ गया। और अब आप मेरा फेस चेक कीजिए, मेरे फेस पे अभी भी निशान है, ये देखिए, ये है ना, ये है, ये छोटा सा दिख रहा है ना ये पैच। तो जो मेरा फेस खराब था ना, उससे तो बहुत अच्छा है, इतना तो चल जाएगा, इसमें कोई मसला नहीं है। इतना सा है ना, तो इसको हम मेकअप वगैरह भी करते हैं तो नहीं दिखाई देता है, और रेयरली जो है ना वो दिखाई देता है।
और देखिए कितना स्मूथ हो गया, कितना फेयर फेयर हो गया मेरा फेस पूरा चारों तरफ से है बिल्कुल, और हाथ भी फेयर फेयर हो गया। तो देखा आपने कितना अच्छा मास्क मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो आप लोगों के साथ मैंने हर एक चीज़ शेयर कर दी है, मास्क को किस तरह से बनाना है, उसको किस तरह से लगाना है, उसे किस तरह से रिमूव करना है, ठीक है। तो आप लोग है ना, आप इसे हफ्ते में 3 से 4 बार भी लगा सकते हैं अगर आपके पास टाइम हो। मैं तो हफ्ते में 1 बार ही लगा पाती हूँ। इससे होता क्या है, मेरा जो सन टैन है ना और जितनी भी डस्ट मेरे फेस के ऊपर है सब कुछ क्लीन हो जाता है, और मेरी पिगमेंटेशन के लिए भी बहुत अच्छा है ये मास्क। मैं अक्सर ये मास्क लगाती हूँ, ठीक है। और अभी मेरा पिगमेंटेशन आप देख सकते होंगे, ये नाक पे एक निशान है ये, है ना, और यहाँ पर भी थोड़ा सा निशान बचा हुआ है इतना सा, ठीक है ना। तो इतना तो कोई मैटर नहीं कोई भी मैटर नहीं करता है इतना सा, क्योंकि जितना खतरनाक ख़राब हुआ था ना मेरा फेस, बस ना अल्लाह का बहुत करम हो गया मुझ पर और ठीक हो गया मेरा, ठीक है ना। तो आपको बिल्कुल भी खुद से एक्सक्यूजेस नहीं करना है, आपको सारी रेमेडी को फॉलो करना है, ठीक है। और आपका पिगमेंटेशन जो है ना वो जाएगा 100%, 110% जाएगा, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है। वीडियो को एंड कर देते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा ढेर सारा। फिर मिलती हूँ नई सी किसी अच्छी सी रेमेडी के साथ जो आपके पिगमेंटेशन के लिए हेल्पफुल हो, आपके स्किन के लिए हेल्पफुल हो। तब तक अपना ख्याल रखिएगा ढेर सारा, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर योर सेल्फ, बाय बाय।